दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि ये तो फालतू की वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि ये जजमेंट बताते हैं, लेकिन दोस्तों मान लो आप एक सज्जन व्यक्ति हो, आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने जानबूझकर बिना तथ्य के आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है या आपके ऊपर केस कर दिया जाता है, आपका नाम भी ऐड कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां अपने ससुराल, अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर ननद जो भी हैं आस पड़ोस, उनके नाम लिख दिया जाता है कि ये व्यक्ति मुझे तंग करता है, दहेज मांगने की बात करता है। लेकिन दोस्तों क्या ऐसे लगाने से लग जाते हैं, ऐसे कहने से केस बन जाते हैं? दोस्तों आपको उन केसों में काउंटर केस करना चाहिए, काउंटर मतलब आपको मानहानि का केस करना चाहिए। मान लो बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि वीडियो बनाते हैं, वीडियो में ये जजमेंट बता देते हैं ऐसा करना ऐसा नहीं करना, इतना टाइम कहाँ है हमारे। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आपके किसी भी लड़की ने किसी भी व्यक्ति ने आपका नाम लिखा दिया गया एफआईआर में, तो दुनिया तो ये सोचेगी ना कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है, दुनिया ये सोचेगी कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया हो, इस वजह से इनका नाम इस एफआईआर में आया है। लेकिन दोस्तों जब तक आप दम से सचेत होकर डरो, लेकिन इतना भी मत डरो कि आपका नाम किसी व्यक्ति ने किसी लड़की ने जानबूझकर आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर आपका नाम लिखा दिया जाता है, तो इस प्रकार अगर झूठा केस है तो दोस्तों ये बहुत सारे कमेंट्स करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे कि इतना टाइम कहाँ है। अगर टाइम नहीं है, जो जिसने कर दिया वो आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे, जो जिसने कर दिया वो आरोप लग जाएंगे, दुनिया गांव वाले या कोई भी आपका मिलने वाला ये सोचेगा कि वास्तव में इसने ऐसा क्राइम किया होगा। लेकिन दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत सारे वीडियो ऐसे यूट्यूब पे बनते हैं और आप देखते रह जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग या फायदा आप उठाते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में ये बताया गया है कि आप वो जजमेंट देख लो, उस जजमेंट में ये कहा है, जजमेंट से कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों जो लीगल कानून है, जो अपना कानून बना हुआ है उसके तौर पे कानून के हिसाब से आप चलें, कानून के हिसाब से आप चलोगे तो बिल्कुल आपकी जीत होगी, क्योंकि आपका नाम मान लो किसी भी व्यक्ति ने, अब आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि 498 के केस की भरमार है, जाते हैं नाम लिखा देते हैं कि ये इन्होंने दहेज की मांग की, इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, इसने मुझे मारपीट की, इसने मोटरसाइकिल मांगी, तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए। जब मान लो पुलिस तफ्तीश करती है तो उसमें झूठा पाया जाता है, आपका नाम हटा दिया जाता है, तो आप वहां तक सीमित मत रहो। अगर आपको इसके साथ साथ मानसिक टेंशन भी होती, दिमाग में ये भी होता है कि अपना नाम लिखवा दिया, पुलिस अपने फोन कर दी, सारी चीजें होती है, तो उससे व्यक्ति का समय भी बर्बाद होता है। तो आपको अगर ऐसा कोई झूठा या एफआईआर में झूठी नाम लिखा दिया जाता है तो आप काउंटर केस कर सकते हैं। काउंटर केस कैसे करें, मान लो आपका नाम किसी एफआईआर में है लेकिन पुलिस तफ्तीश में कहती है कि ये गलत आपने आरोप लगाया, अगर वहां से आपका नाम हट जाता है तो आप उन व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। मानहानि का केस दो प्रकार से किया जाता है, सेक्शन 499 और 500 आईपीसी में आप किया जाता है, लेकिन सिविल केस अलग होता है, क्रिमिनल केस अलग होता है। जैसे किसी व्यक्ति किसी लड़की ने 410 में कहा इन्होंने 10 लाख की मांग की है, अगर वो 10 लाख की मांग झूठी हो जाती है तो आप सिविल प्रोसेस में जा सकते हैं। क्रिमिनल में अलग तरह का कि उन्होंने इतना पैसे हड़पा है क्या, तो कुछ भी हो सकता है, तो क्रिमिनल तौर पर जा सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन मैंने बताया है 499 और 500 आईपीसी, ये मानहानि का, मानहानि वो होती है कि आपने जानबूझकर इस व्यक्ति को इनरोल किया है, इस व्यक्ति का नाम लिखा है, इन व्यक्ति का को बदनाम करने की कोशिश की है, तो उससे वो लोग डरेंगे, जिंदगी में वो लोग बिना सोचे समझे किसी का नाम लिखवाना छोड़ देंगे। लिखवाने की तो दूर की बात, वो व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी या अपने आसपास जो भी व्यक्ति उनको ये कहेंगे किसी भी व्यक्ति का गलत नाम लिखवाना भूल जाना, नहीं तो अगर आप भी गलत नाम लिखवाते हो तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उठ के आ जाता है कि इस व्यक्ति ने ये कहा, इस व्यक्ति ने ये किया। जबरदस्ती से जब क्राइम एक व्यक्ति करता है नाम चार का होता है, तो उन व्यक्ति को बिना वजह से घसीटा जाता है। जब कोर्ट में आप सोचते हो कि नाम लिखवा दिया अपन कुछ नहीं करेंगे, आपका नाम कट गया, केस में ऐसे ऐसे होते हैं कि सफेद बाल तक आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों कोई व्यक्ति अगर गलती से आपका नाम गलत वजह से लिखवाता है, परेशान करने की वजह से लिखवाता है, तो बिल्कुल आप उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस करें, डिफेमेशन का केस करें, जिससे वो व्यक्ति को, उनके परिवार वालों को, उन सब सभी को सबक मिल सके। बहुत सारी लड़कियां उठ के कहती मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे लुगड़ी को ऐसे करा, सारी चीजें बिना तथ्य के आधार पर
अगर वो तथ्य गलत है, सही है तो अलग बात है, लेकिन गलत तरीके से आपका आरोप लगाया जा रहा है तो बिल्कुल आप काउंटर केस कर सकते हैं, मानहानि का केस कर सकते हैं, उन व्यक्तियों को सबक भी दिला सकते हैं और उनको जेल जाना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों लीगल जो कानून कहा है उस हिसाब से चले, जजमेंट के हिसाब से नहीं चले। जजमेंट तो आते हैं, बदलते हैं, चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके साथ, अपने परिवार के साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल डरे मत, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति यार केस हो गया, कौन लड़ेगा, कौन उनके खिलाफ जाएगा, अपन तो सजा भुगत लेते हैं, अपन तो ये जो भी जेल होगी भुगत लेते। दोस्तों ऐसा नहीं होता, अगर आपने क्राइम किया नहीं तो आप सजा क्यों भुगतोगे। मान लो आपने क्राइम किया है और कोर्ट ने आपको बरी किया है तो भी आपको मानहानि का केस आप कर सकते हैं, झूठा हो तो। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं और ये भी चाहता हूं कि आपको ये वीडियो या तो पसंद आए, नहीं आए तो इसे और सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसे देख लेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट्स करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।